सो so, हमारे पास क्वेश्चन है कि गिव द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज एक्स अपॉन वन एक्स अपॉन टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस अप टू सो ऑन एक्स रे टू पावर एन अपॉन एन सो हमें ये जो गिवन पावर सीरीज है इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमें फाइंड करनी है सो so, सबसे पहले हमारे पास स्टेप है कि द गिवन पावर सीरीज इज अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो द गिवन पावर सीरीज

हमें ए एन गई, एन एथ कोफिशियंट दैट इज एक्स की पावर एन का कोफिशियंट ठीक है अब हम ए एन प्लस वन फाइंड करेंगे ए एन प्लस वन विल बी वन अपॉन एन प्लस वन अब हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है क्योंकि अगर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस आर टू आर लिख सकते हैं माइनस आर टू आर सो हमें आर निकालने के लिए रेशियो लेनी पड़ेगी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन एन प्लस वन सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनिटी कैन राइट दिस एज लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ये पूरी टर्म पॉजिटिव है तो ओवरऑल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन अपॉन एन सो जब हम इन्फिनिटी पे लिमिट अप्रोच कर रही है तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन सो अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो वन अपॉन एन किस को अप्रोच करेगा जीरो को सो ये वाली टर्म की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जीरो के बराबर सो वी विल गेट ओनली वन देयर फोर द सीरीज कन्वर्ज इज दीरीज पावर सीरीज कन्वर्ज पावर सीरीज कन्वर्ज फोर माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन ये हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गई है अब हमें एक चीज चेक करनी है कि क्या क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे राइज होते कि क्या एंड पॉइंट्स पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी ठीक है सो so क्वेश्चन ये लिखना नहीं है लाइट को like, uh, समझने के लिए सिर्फ कि वेदर द पावर सीरीज पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एट एंड पॉइंट सो उसके लिए हम क्या करेंगे जो गीवन पावर सीरीज थी उसी में हम एक्स की so, पावर एन uh, तो इसमें जब हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यू वन पुट की तो हमारे पास मिला समीशन वन अपॉन एन इंटू वन की पावर एन सो वी कैन राइट दिस एज समी वन अपॉन एन सो ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट uh, सीरीज़ होती है पी टेस्ट की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज़ है दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज पी टेस्ट की हेल्प से कैसे ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सेकेंड हमारे पास है जब हम समीशन वन अपॉन एन एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे सो एंड पॉइंट हमने पुट किया एक्स की एक्स इक्वल टू माइनस वन सो वी गेट समीशन वन अपॉन एन माइनस वन की पावर एन इक्वल टू ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होगी ये अल्टरनेटिंग सीरीज है बीइंग अल्टरनेटिंग सीरीज एंड बाय यूजिंग लेबनेट्स टेस्ट वी वी कैन से दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट वी कैन से द पावर सीरीज द पावर सीरीज एट एक्स इक्वल टू माइनस वन इज कन्वर्जेंट ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू माइनस वन पे सीरीज कन्वर्जेंट है जबकि एक्स इक्वल टू वन पे सीरीज डाइवर्जेंट है सो फाइनली इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू माइनस वन टू वन सो वन ओपन और माइनस वन क्लोज सो फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं सबसे पहले हमें ये पावर सीरीज क्लोज फॉर्म में लिखनी है दैट इज समीशन एक्स की पावर एन अपॉन एन तो यहाँ से हमें ए एन पता चल गया ए एन की वैल्यू वन अपॉन एन आ रही है और एन प्लस वन एथ टर्म आपके पास वन अपॉन एन प्लस वन होगी देन वी फाइंड द आर देन वी फाइंड द कन्वर्जेंस दैट इज आर आर की वैल्यू हमारे पास वन आ गई तो ये पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है माइनस वन से लेके वन के बीच में अब हमें एंड पॉइंट्स पे चेक करने वन और माइनस वन के ऊपर की सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो जब हमने x की वैल्यू वन पुट की तो हमारे पास ये हार्मोनिक सीरीज़ आई जो कि डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है सेकंड जब हमने माइनस वन पुट किया तो हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज थी जो कि कन्वर्जेंट होती है बेसिकली ये वाले कॉन्सेप्ट आपके पास सेकंड ईयर में सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में थे जब हम सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट अप्लाई करते थे जैसे रेशियो रूट कौशी कंडेंसेशन, कौशी इंटीग्रल टेस्ट पी टेस्ट लेबनिट्स टेस्ट और भी काफी सारे टेस्ट थे सो इनकी हेल्प से हमने देखा कि फाइनली आपके पास जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो माइनस वन से वन है